सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। एडवांस अब एयर सिस्टम से धर्मशाला में बारिश से नहीं धुलेंगे अब मैच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अब मैचों के दौरान होने वाली बारिश ज़्यादा देर तक बाधा नहीं बन पाएगी। मैच में बारिश होने के बाद मैदान को करीब 20 मिनट सुखाकर पूरी तरह से खेलने के लिए फिर तैयार कर लिया जाएगा। मैदान की नई आउटफील्ड के साथ लगाया गया एडवांस सब एयर सिस्टम HPCA के पास एक नई सुविधा हो गया है, जिससे बारिश के बाद मैदान को जल्द सुखाने में मदद मिलेगी और खेल ज़्यादा देर तक प्रभावित नहीं होगा। इससे पहले स्टेडियम के एक हिस्से में बारिश के पानी को निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया था। वहीं दो बार बारिश के कारण धर्मशाला स्टेडियम में दो मैच भी रद्द हो चुके हैं। मनाली से रोहतांग तक नहीं चलेंगे 1000 से ज़्यादा वाहन, MGT ने खारिज किया आवेदन। मनाली से रोहतांग तक 1000 से अधिक वाहन नहीं चल सकेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल टैक्सी यूनियन के आवेदन को खारिज कर दिया है। यूनियन ने मनाली से रोहतांग के लिए 5000 वाहन चलाने की अनुमति मांगी थी। वर्ष 2017 में पारित आदेशों को संशोधित करने के लिए यूनियन ने आवेदन किया था। वहीं ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन के माध्यम से दलील दी गई थी कि गुलाबा मड़ी और रोहतांग दर्रे पर अधिक पार्किंग स्थल की उपलब्धता है। पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि के कारण ट्रिब्यूनल की ओर से स्वीकृत किए गए वाहनों की संख्या अपर्याप्त है, जिसे अब मनाली और रोहतांग के बीच प्रतिदिन 5000 वाहन चलाने की आवश्यकता है। वाटर सेस पर कानूनी लड़ाई लड़ेगा हिमाचल, भारत सरकार के विरोध पर अभी नहीं जाएगा जवाब। हिमाचल सरकार वाटर सेस के मामले में भारत सरकार के कड़े रुख के बावजूद लीगल लड़ाई ही लड़ेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को वहां से जारी पत्र का जवाब देने के बजाय कानूनी विकल्प को ही राज्य सरकार फिलहाल चुन रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी पत्र पर पिछले कल राज्य सरकार में कई स्तरों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जल शक्ति और ऊर्जा विभाग से फीडबैक मांगा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिमाचल विधानसभा से विधेयक पारित होने के बाद वाटर सेस को लागू करना एक कानून बन चुका है। अब इस बारे में आगामी फैसला भी विधानसभा में ही लिया जा सकता है। तब तक राज्य सरकार को अपने और केंद्र सरकार के स्टैंड के बीच अपना फैसला सही साबित करना है और यह लीगल लड़ाई अब हाईकोर्ट में ही होगी। इसकी वजह यह है कि हिमाचल हाईकोर्ट में वाटर सेस को चुनौती देने के लिए याचिकाएँ दायर हो रही हैं। चंबा के नौगांव में फैला खसरा, जिला में 28 मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। हिमाचल के चंबा जिला में कोविड संक्रमण के बीच खसरा रोग फैल गया है। जिला के नौगांव में इस रोग के 28 केस आ चुके हैं। इनमें से 4 मामले लैब से कन्फर्म हो चुके हैं, जबकि 24 मामलों में खसरा रोग की संभावनाएं हैं। हालांकि लैब से इनके कन्फर्मेशन होना भी बाकी है। चंबा जिला में संगेड़ा, सलून, कतल, कोट, चिरूणी, मसवाड़ी, सेरी, भुजियारा और निहारी गांव में इस रोग का संक्रमण है। खसरा रोग फैलने पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इस रोग की रोकथाम के लिए विभाग की ओर से एपिडेमिक रिस्पॉन्स टीम तैयार कर दी गई है। वहीं अत्यधिक एक्टिव केस सर्च के लिए विभाग द्वारा 9 टीमें भी फील्ड में भेजी गई हैं। हिमाचल में अब 99 साल की लीज नहीं, सरकार ने नियमों में किया संशोधन, 40 साल होगी अधिकतम अवधि। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सरकारी जमीन लीज पर देने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। हिमाचल सरकार पहले 99 साल या इससे ज़्यादा अवधि के लिए भी लीज दे देती थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है और अब लीज की अधिकतम अवधि 40 साल ही होगी। इसके लिए लीज नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी हो गई है। यह अधिसूचना प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा की ओर से जारी की गई है। गौरतलब है कि हिमाचल में विलेज कॉमन लैंड्स वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन एक्ट 1974 और हिमाचल प्रदेश सीलिंग ओन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972 के माध्यम से सरकारी जमीन को लीज पर दिया जा सकता है। हजारों विद्यार्थियों को राहत, PG के लिए HPU शिमला ही करवाएगा संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने PG कोर्स में प्रवेश लेने वाले हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। HPU ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय के 2023-24 के लिए PG कोर्स के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाने के आग्रह को मान लिया है। दोनों विश्वविद्यालयों में इसको लेकर बनी सहमति से अब मंडी विश्वविद्यालय में संचालित किए जा रहे 22 PG डिग्री कोर्स के लिए HPU ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा करवाएगा। वहीं प्रवेश परीक्षाएं 29 मई से 15 जून तक चलेंगी। इससे अब HPU और मंडी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की फीस भी नहीं चुकानी पड़ेगी। अब टीचिंग और रिसर्च का ही काम देखेंगे मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल।
हिमाचल में सरकार के बाद अब मेडिकल एजुकेशन के सेक्टर में भी बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के लिए अब टीचिंग और रिसर्च का ही काम रखा है, जबकि सभी तरह के प्रशासनिक और फाइनेंस मसले मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त HAS अधिकारी को दे दिए गए हैं। ये संयुक्त या अतिरिक्त निदेशक के पदों पर नियुक्त होते हैं। इसी तरह मेडिकल कॉलेजों में बाकी पदों और निदेशक चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में भी कार्य का विभाजन नए सिरे से हुआ है। यह पहली बार है इस दिशा में किसी सरकार ने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया है। दुर्गम दूरदराज के क्षेत्रों में अस्थायी भर्ती होंगे 3104 JBT, TGT और शास्त्रीय शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में अस्थायी तौर पर 3104 JBT, TGT, कला व शास्त्रीय शिक्षक भर्ती होंगे। 10वीं 12वीं कक्षा सहित BEd और DLED के अंकों के आधार पर इन शिक्षकों का चयन किया जाएगा। अस्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए टेट पास होना जरूरी रखा गया है। शिक्षकों के जिला कैडर के पदों की भर्ती शिक्षा उपनिदेशक और राज्य कैडर के पदों की भर्ती निदेशक करेंगे। शिक्षण संस्थानों के प्रभारियों को भी अस्थायी शिक्षकों के पदभार सौंपने से पहले आवश्यक दस्तावेज जांचने के लिए कहा गया है। अगर किसी संस्थान में अपात्र को पदभार सौंपा गया तो ऐसे शिक्षण संस्थान प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज नहीं होगी। कमेटी के अध्यक्ष एवं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने 27 अप्रैल को दोबारा बैठक बुलाने की बात कही थी, लेकिन निगम चुनाव की व्यस्तता के चलते बैठक आगामी आदेशों तक टाल दी है। आउटसोर्स पर कर्मियों को भर्ती करने वाली कंपनियों के खिलाफ विजिलेंस की जाँच शुरू। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो विजिलेंस ने सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों में आउटसोर्स पर कर्मचारियों को रखने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में यह बात सामने आई थी। फर्जी कंपनियां हजारों कर्मचारियों को आउटसोर्स पर भर्ती कर वर्षों से सरकार से करोड़ों रुपये का कमीशन वसूल रही हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व भाजपा सरकार जब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने लगी थी तो फर्जीवाड़े का अंदेशा जताया गया था। उल्लेखनीय है कि पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई थी। 1368 PTA शिक्षकों को बड़ी राहत, 1 अप्रैल 2018 से मिलेगा नियमितीकरण का लाभ। सुप्रीम कोर्ट से लेफ्ट आउट PTA शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण से छूटे 1368 PTA शिक्षकों को राहत देते हुए सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने 3 जनवरी 2008 से पहले नियुक्त PTA अध्यापकों को वर्ष 2018 से नियमित करने के आदेश जारी किए थे। प्रदेश हाई कोर्ट ने लेफ्ट आउट PTA शिक्षकों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए उन्हें 1 अप्रैल 2018 से नियमित करने के आदेश दिए थे। वहीं इन आदेशों को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के निर्णय में दखल देने का कोई आधार नहीं मिला, इसलिए विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। वहीं अब ये शिक्षक 1 अप्रैल 2018 से नियमितीकरण के लाभार्थी हो जाएंगे। प्रार्थी शिक्षकों के अनुसार शुरू में वे अन्य PTA अध्यापकों की तरह ग्रांट इन एड आधार पर लगे थे। वर्ष 2014-15 में सरकार ने कुछ शिक्षकों को अनुबंध पर लाया और 1 अप्रैल 2018 से नियमित भी कर दिया, परंतु उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।